हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम। ये है आपका वीकली हॉरोस्कोप, कैसे रहेगा आपका आने वाला वीक एज पर टैरो कार्ड्स। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं एंड अगर आप टैरो रीडिंग यू नो पसंद करते हैं, सो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर ले चैनल को अगर आप दिल से कनेक्ट होते हैं इस चैनल से तो अपडेट्स के लिए। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और ऑल्सो ऑन फेसबुक फॉर डेली अपडेट्स, ब्लॉग्स के बारे में एंड अदर इन्फॉर्मेशन। सो ये सब चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडियक साइन क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। नीचे टाइम स्टैम्प्स में डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, सो देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर लियो ज़ोडियक साइन फॉर दिस अपकमिंग वीक। ओके, सो यू नो स्टार्ट ऑफ द वीक में लियोज एनर्जीज दिख रही है जहाँ पे आप थोड़ा सा लो एंड डिप्रेस्ड फील कर सकते हो या इस तरीके की फीलिंग एक्सपीरियंस कर सकते हो जहाँ पे आप यू नो अकेले हो, आपके फैमिली मेम्बर्स आपके क्लोज आपकी बात को एग्री नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे दुनिया आपको समझ नहीं पा रही है एंड यू माइट फील लिटिल लोनली। इस टाइप की एनर्जीज रह सकती हैं स्टार्ट ऑफ द वीक में, या कोई ना कोई चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो एंड परेशान होते हुए दिख रहे हैं। मिड ऑफ द वीक में आते आते चीज़ें अपलिफ्ट होती हुई दिख रही हैं, पॉजिटिव होती हुई दिख रही हैं, आपकी विल पावर एनर्जी अच्छी होती हुई दिख रही है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड ऑल्सो यहाँ पर गुड टाइम्स विद फैमिली टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, चीज़ें वर्कआउट होती हुई दिख रही हैं। सो काफ़ी अच्छी एनर्जीज यहाँ पर आपके लिए मेरे को दिख रही हैं। टेन ऑफ कप्स कार्ड एक फैमिली कार्ड है, एक हीलिंग का कार्ड है, एक रेनबो बना हुआ है उसके ऊपर जो इंडिकेट करता है सक्सेस, पावर, पॉजिटिविटी दिख रही है। सो अगेन अ वेरी गुड एनर्जी लियोस फॉर दिस वीक, इम्प्रूवमेंट की तरफ होता हुआ जा रहा है रीडिंग है। और भी हम मैसेजेस देख लेते हैं क्या आ रहे हैं आपके लिए। ओके, काफ़ी पावरफुल कार्ड्स आए हैं लियोस। यहाँ पे नो मैग्नेट अट्रैक्टिंग अबंडेंस एंड यहाँ पर है आई अफर्म टू बी अ फीनिक्स। इन दोनों कार्ड्स का मीनिंग कहीं ना कहीं ये है कि यू नो कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आप क्या एफर्ट डाल रहे हो अपनी लाइफ में, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या चाहते हो एंड बी पॉजिटिव। एंड जो भी चीज़ आपकी लाइफ में नो इस तरीके से इमोशनल प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं टाइम आपको कह रहा है जहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने होंगे, प्रैक्टिकल थिंकिंग रखनी होगी। एंड यू नो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगी एक ओवर डोज ऑफ मोटिवेशन या ओवर डोज ऑफ पावर आपको लगेगी आपकी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। सो उस टाइप के यू नो पॉजिटिव विटामिन आपको लगेंगे ताकि आप सिचुएशन को हैंडल कर सकें, बिकॉज मे बी शायद से लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको खुद की सपोर्ट बनना होगा एंड लाइफ में आगे चलना होगा। दूसरों के ओपिनियन के ऊपर आप यू नो डिपेंडेंट रहेंगे तो शायद कभी भी जो आपके लिए सक्सेस भगवान ने लिखी है उसको शायद से आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए खुद के ऊपर विश्वास रखकर बस चलते चलो, रास्ते आपके लिए खुलते जाएंगे। ये कुछ आपके लिए स्पेशल मैसेजेस इस वीक के लिए आते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो लियोस। चलते अगली राशि की ओर जो है वर्गो। वर्गो राशि वालों के लिए देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके वर्कर्स, तो यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है द वर्ल्ड के कार्ड हैं, ट्रैवल इंडिकेशन दिख रहा है, ट्रैवल के प्लान बन सकते हैं, कोई बिग प्रोजेक्ट कंप्लीट होने जा रहा है, समथिंग मैं कहूँगी कुछ अच्छे के लिए ख़त्म होने जा रहा है, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं विच इज़ अ कार्ड ऑफ सक्सेस। ये कुछ नेगेटिव कार्ड नहीं है एंड वर्ल्ड लिखा हुआ है तो दैट स्पेशली इंडिकेट्स यू नो कि अगर अब्रॉड की प्लानिंग तैयारी कर रहे हो
सो दैट इज़ अ गुड इनिशिएटिव, आगे बढ़ सकते हैं। पैसे को लेकर थोड़ी सी मिड वीक में स्ट्रेस बना रह सकता है, इनकम एक्सपेंसेस कहाँ जा रहे हैं, कैसे मैनेज करें, एंड बहुत ज़्यादा चीज़ों को यू नो जगलिंग हो रहा है, बहुत हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा है, अभी घर भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, थोड़ा सा यू नो भाई बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, यहाँ हेक्टिक चल रहा है। एंड यू नो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो, एंड दूर की कोई प्लानिंग कर रहे हो, दूर की कोई सोच अपने विचार कर रहे हो कि आने वाले 5 साल में आपको कहाँ होना है, क्या करना है, क्या चाहते हो। काफ़ी यू नो माइंड प्रोग्रामिंग मैं कहूँगी, माइंड फ्रेमिंग मैं कहूँगी कि लाइफ में यू नो कहाँ आगे जाना चाहते हो, वो सब चल रहा है। सो इन अ वे ये आपके लिए एक अच्छा वीक होता हुआ दिख रहा है, वो को कि आने वाले फ्यूचर में आप क्या चाहते हो, क्या लाइफ में करना चाहते हो, प्लानिंग कर रहे हो, मैं कहूँगी प्लानिंग करते रहो, आपके लिए प्लानिंग अच्छी मानी जाएगी, दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू। वर्गोस से यू नो मोस्टली एंड ऑफ दी वीक में कोई पंगे ना ले तो अच्छा होगा, बिकॉज थोड़े से वो चिड़चिड़े एंड इरिटेटेड बने रह सकते हैं, क्योंकि उनको अपने यू नो फ्यूचर के बारे में सोच रहे होंगे, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, प्लानिंग चल रही है, अकेले रहना पसंद करेंगे, ये भी एनर्जीज बन सकती हैं। जैसे कि मैं कह रही थी, थोड़ा सा यू नो चिड़चिड़े इरिटेटेड रह सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर एंजल गाइडेंस कार्ड्स भी आ गए, बी एट पीस विद सेल्फ, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी, सक्सेस आपको मिलेगी, सब कुछ होगा, बट ज़्यादा वर्गोस चिड़चिड़े मत बनिए आप इस वीक में, कोशिश कीजिए कि अपने साथ शांति रखिए। आप मुझे पता है बहुत डिज़ायर्स हैं आपके, आपको बहुत अचीव करना है, काफ़ी पैशनेट होते हैं अपने काम को लेकर, एंड यू नो ऑफकोर्स कार्ड्स भी आपको सपोर्ट करें, डेयर करो, ड्रीम करो, डिज़ायर करो, अपॉर्चुनिटी के कार्ड्स हैं, अपॉर्चुनिटी 4 एंड अपॉर्चुनिटी नंबर 2। सो अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगी, ज़रूर आएंगी, बट यू नो अपनी शांति के साथ में उसको करना है। मैं हमेशा कहती हूँ, डोंट लेट योर ड्रीम्स फ्रस्ट्रेट यू, आप ही के सपने ये ना हो कि आप ही के सपने आपकी रातों की नींद ले जाए और आपको फ्रस्ट्रेट करने लग जाए जब तक वो नहीं मिल रहा है। सपने देखो, इच्छा रखो, काम करो, एंड बट विथ पीस। ये नहीं कि नहीं मेरे को बहुत काम है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत ये है, बहुत कुछ करना है, तो आपके आसपास यू नो खुद को भी आप परेशान कर रहे हो और यू नो दूसरों को भी आप अपनी अपनी स्ट्रेस से परेशान कर रहे हो, वो नहीं करना है। वो कुछ आपके लिए सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जॉब के लिए देख रहे हो, बिजनेस ग्रोथ के लिए देख रहे हो, सब होगा, बस थोड़ा सा संयम पेशेंस बना के रखें, चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। चलते अगली राशि की ओर, जो है लिब्रा। ओके लिब्रा, तो स्टार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है, बिजनेस एक्सपांड होता हुआ दिख रहा है, जॉब आते हुए दिख रहे हैं, न्यू आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं, वेरी गुड एनर्जी। करियर वाइज बहुत अच्छी कार्ड रीडिंग आई है आपकी, अच्छे से आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं, सक्सेस दिख रही है, अब्रॉड जाने की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, ट्रैवल के प्लान्स बनते हुए दिख रहे हैं, ऑल ओवर वेरी 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 गुड एनर्जी लिब्रास, काफ़ी अच्छी रीडिंग है। देखो इमोशनली कहीं ना कहीं एंड ऑफ द वीक में स्ट्रेसफुल होते हुए दिख रहे हो, कोई बात ऐसी मे बी आपके मन को दुखा रही है जिसकी वजह से आप रातों को बैठ कर सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो, दिस इज़ टेम्पररी, नॉट अ परमानेंट कार्ड। कुछ दिन या कुछ मैं कहूँगी घंटों के लिए आप थोड़ा सा स्ट्रेसफुल एंड परेशान हो सकते हो, इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, बट अदरवाइज करियर वाइज में कोई चीज़ें अच्छी वर्कआउट होती हुई दिख रही हैं। जस्ट अ मिनट, पहले देख लूँ और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। रेस्ट के कार्ड आए हैं एंड एजम्पशंस इम्पेयर्ड। यहाँ पर इस कार्ड का मीनिंग क्या है कि आपने सोचा था, कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन थी, एंड स्पेशली मुझे लव रिलेशनशिप में हो सकता है या इन जनरली आपकी लाइफ में कुछ आपने सोचा था कि भाई ये इंसान ऐसा ऐसा होगा या ये चीज़ ऐसे ऐसे वर्कआउट हो जाएगी, बट जब आप यू नो पास गए, सामने गए, वक्त आया, तो वो चीज़ वैसी नहीं हुई जैसी आपने सोची थी, एंड वो चीज़ ने आपको काफ़ी धक्का दिया है, दुख दिया है, परेशानी दी है, आप उसके लिए अपसेट हो, एंड इस वजह से यू नो यहाँ पर ये कार्ड आए हैं कि अब वक्त है जहाँ पर आप खुद को रेस्ट दो, रिजुविनेट होने का टाइम दो, एंड गिव सम रेस्ट। लिब्रा इस वीक में ज़रूर इस क्यूट तरीके से ना लेटना, ज़रूर आराम करना, कितने प्यारे तरीके से ये आराम कर रहा है, सच में मुझे देख के नींद आ रही है, इतने यू नो बच्चे कितना सुकून से सोते हैं, यू नो कहते हैं ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख है ये कि एक सुकून भरी नींद आना,
एंड वही देखो ये सुकून भरी नींद के एंजल कार्ड्स आपको दिखा रहे हैं, एंड वही देखो यहाँ पे टैरो कार्ड बता रहा है कि आप इसके ज़िंदगी शायद से ऐसे पड़ाव पर है जहाँ पर आप ऐसे परेशान हो, पिल्लो पड़ा हुआ मतलब उसको रातों को नींद नहीं आ रही, वो परेशान है बेचारी, और वही एंजल कार्ड्स आपको कह रहे हैं दैट यू नो डोंट वरी, इन फैक्ट द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इज़ कि नो ज़िंदगी में जो भी हो रहा हो इतने शांति से यू नो आप सो सको, रेस्ट कर सको, तो ज़रूरी है ये भी, बहुत यू नो इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। हम इतने बिजी लाइफ में हो चुके हैं ना, रातों की नींद को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, दिन भर काम करते रहते हैं, अभी रेस्ट क्या है, आराम हराम है यू नो, बट भाई हर समय आराम हराम नहीं है आराम भी ज़रूरी है, तभी लाइफ के चैलेंजेस को यू नो हैंडल कर पाओगे। सो यू नो जस्ट मेडिटेशन सुनो, कोई यू नो रिलैक्सेशन करो, खुद को ना इस तरीके से रिलैक्स होते हुए प्यारी सी स्माइल लेके आओ फेस पर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये कुछ आपके लिए नो, एंड ये टू ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, ठीक है। इस तरीके से एंजल्स जिस तरीके से आपको दिया है मैसेज यहाँ पर नींद और यहाँ पर ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। अगर इस टाइप की रीडिंग से आप कनेक्ट हुए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना लिब्रास कैसी लगी है रीडिंग, मुझे कनेक्शन बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग में, लाइक डायरेक्टली एंजल्स आपको कुछ कह रहे हैं, एंड आई थिंक इससे लोग कनेक्ट होंगे क्योंकि ये बहुत ही दूसरे दोनों अलग अलग डेक्स हैं, फिर भी कॉम्बिनेशन आप देखें कितना खूबसूरत है। एंजल्स आपको एक पॉजिटिव इमेज दे रहे हैं, यू नो उसको आप चेंज करो और इस पर इस तरीके से काम करो, सही है। तो लेट मी कमेंट बॉक्स पे लो, चलते हैं अगली राशि की ओर जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पहला कार्ड आ गया एट ऑफ स्वॉर्ड्स का, कोई ना कोई चीज़ को लेकर परेशान हो, स्टक फील कर रहे हो, प्रेशर आया पड़ा है कोई ना कोई चीज़ का, यू नो समझ नहीं आ रहा भाई कैसे स्ट्रेस को हैंडल करें, हेक्टिक फील कर सकते हो, स्ट्रगल हो रही है ऐसा फील कर सकते हो स्टार्ट ऑफ द वीक में, ठीक है। मिड वीक आते आते चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, शांत हो जाओगे आप, जो आप शांति ढूंढ रहे हो, इमोशंस की स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो भाई मिल जाएगी। एंड ऑफ द वीक में आते आते करियर रिकग्निशन सक्सेस पॉजिटिविटी, भाई कह रहे थे ना जिस चीज़ का काम करे भी उसका बेनिफिट मिले, बेनिफिट मिले, जॉब के लिए देख रहे हो जॉब मिल जाएगी, बिजनेस में कि ना एक अच्छा वीक आपका बन जाएगा कि भाई चलो इतना हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है, ठीक है। सो ऑल ओवर वीक में स्टार्ट में थोड़ा सा यू नो स्ट्रेस हैक्टिक वगैरह मेरे को दिख रहा है, बट आगे बढ़ते बढ़ते संभल जाएंगी चीज़ें। और मैं देख लेती हूँ डिवाइन मैसेजेस क्या बोल रहे हैं आपको। ओके, रिस्पेक्ट एंड डू नॉट जज, कहीं ना कहीं आपको इमोशनल एनर्जीज में देख के कहा जा रहा है यू नो कि बहुत जल्दी कुछ चीज़ों को या कुछ इंसानों को जज मत करो। कहते ना कि जितना हो सके भाई किसी को बोलो ही मत, अपना हाथ जोड़ के सीधा सीधा आप चलते बने, दूसरों की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर ना करें ना बोलें, एक चुप सौ सुख वाली बात चल रही है इस वीक में आपके लिए। ओके, आई अफर्म टू एक्सेप्ट लाइफ इन अ सुप्रीम मेजेस्टी, यस कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है। देखो इमोशनली ये वाटर का कार्ड है, तो इमोशनली अगर कोई चीज़ का यू नो स्ट्रेस एंड सिचुएशन चल रही है, सो यहाँ पे कहा जा रहा है इस वीक का ऐसा वक्त है कि भाई किसी से ज़्यादा पंगे मत लेना स्कॉर्पियंस, कोई आर्ग्यूमेंट में मत इन्वॉल्व होना, अपने आप को पॉजिटिविटी इमोशनली देते रहो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर यू राइट नाउ। अपनी शांति खुद की पहले ज़रूरी है, बाद में हम दूसरों की लाइफ देखेंगे समझेंगे जानेंगे, जब तक खुद ठंडा दिमाग और ठंडा मन नहीं होगा तब तक हम दूसरों की नहीं मदद कर पाएंगे, ना समझ पाएंगे ना समझा पाएंगे। सो खुद की केयर एंड खुद का सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉर्पियंस इन दिस वीक फॉर यू, पर आप वो कर लोगे तो मिड वीक के बाद में यू कैन हैंडल एनीथिंग यू वॉन्ट। सो ये कुछ आपके लिए मैसेजेस एंड एनर्जीज मेरे को दिख रही हैं स्कॉर्पियंस, अगर आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, थैंक यू सो मच।